अरे अभी मैं बताऊंगा तो अभी फिर मुझे बहुत गालियाँ पड़ेगी तो वो ऐसा क्या हुआ कि यार वो रिप्लेस हो गई तो वो एक मुझे एज अ फ्रेंड बुरा लगा कि यार कहाँ गलत गई मैंने वहाँ काम किए मैं उन लोग मैंने उन लोगों के साथ काम किए मैंने उनके लिए स्टैंड लिया कि यार उनको ऐसे भला बुरा मत बोले ज़्यादा उठा एंड ही लेफ्ट प्रतीक्षा थोड़ी सी वो थोड़ी रोने वाली हो गई थी ऐसा उनको दोबारा टी पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही लौटेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता हमें और इसी के साथ में बहुत सारे भाई बदलाव भी हो गए हैं आपकी गैरहजरी के अंदर क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप इसके बारे में और कैसे हो आप सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ बहुत बढ़िया हूँ बहुत सीख रहा हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें अडाप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैंने भी सुना मैंने सुना क्या मैं तो मीटिंग में था ही और यही कहूँगा कि यार मेरे लिए भी थोड़ा एक नए कैरेक्टर्स होंगे थोड़ा सा क्योंकि उनके साथ सेट तो हो ही गए थे दोस्ती हो गई थी दोनों के साथ और थोड़ा न्यू लगेगा बट आई सपोर्ट प्रोडक्शन हाउस एज़ वेल क्योंकि जो भी डिसीजन लिया गया है क्योंकि इट्स नॉट इजी सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक ऐसे टाइम पे आई स्टार्ट होने वाला है यू नो टीवी इंडस्ट्री को वैसे भी थोड़ा सा uh, थोड़ा व्यूअरशिप कम हो जाती है बिकॉज क्रिकेट के लिए इतना क्रेज़ है और uh, इस टाइम पे अगर आपने दो लीड्स को रिप्लेस किया है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी और uh, uh, बस मैं यही कहूँगा कि यार उनको uh, जो भी उनके आगे प्रोजेक्ट्स हों वो जो भी आ इस इस चीज़ में जो भी अगर कुछ भी हुआ हो उसको उससे सीख के आगे अपनी चीज़ों को अच्छे से कैपिटलाइज करें और प्रतीक्षा तो उसका तो डेब्यू शो था और मैं सबसे पहले मॉक शूट मैंने उसी के साथ किया था अच्छी दोस्त है मेरी बट वही है कि मतलब मुझे ज़्यादा बुरा उसके लिए लग रहा है क्योंकि मेरी उससे ज़्यादा बॉन्डिंग थी सेट पे और बस यही बोलूँगा कि यार अभी जो हो गया उसको भूल जाओ ये तीन चार दिन बाद कोई याद नहीं रखेगा और फिर बस आगे ये ध्यान रखो कि जो इस चीज़ में जो जो चीज़ें हुई वो जो जो चीज़ें थोड़ी अलग एस्पेक्ट में गई वो ना जाएं और आगे के शो में आप कुछ भी करो या कोई भी प्रोजेक्ट करो उसमें एक एज अ बेटर तरीके से आप आ, अपना कम दो और हम भी देखेंगे यार हमें भी खुशी होगी लेकिन शिवम क्या रिएक्शन था आपका इसके ऊपर ये पूरी खबर के ऊपर जब भी ये ये कॉल लिया गया जिस तरीके से आपने बताया कि आप तो उस वक्त मीटिंग के अंदर भी मौजूद थे कि क्या डिस्कशंस हो रहे थे वहाँ पर बैठ कर आ, मुझे एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा सारे को स्टार्स में आइडिया था वो शायद मुझे ही होगा क्योंकि आ, दो दिन पहले मेरा मॉक शूट हुआ था हालांकि प्रोडक्शन की तरफ से मुझे भी नहीं पता था कि किस चीज़ के लिए है इट वॉज सपोज टू बी फॉर द फॉर फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट और समथिंग बट कहीं ना कहीं मेरे पता नहीं एक थोड़ा सा वो होता है ना एक आइडिया सा आपको लगा मुझे लगा कि शायद लीप हो रही है या क्या हो रहा है बट ये नहीं पता था कि यार ऐसा हो जाएगा बट uh, जब हुआ फिर uh, राजन सर ने सारे ऐसा नहीं है कि राजन सर ने सीधा एक दे दिया कि आप जाइए ये पूरा उन्होंने बताया कि शुरू से लेके एंड तक क्या क्या चीज़ें हुई है और क्या क्या किस तरीके से क्या हुआ है क्या जो जिसमें शूटिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो उन्होंने सब बताया टीम के लिए वो बताया किस किस से क्या हो रहा है तो फिर उसके बाद जब उन्होंने डिसीजन लिया तो और वो भी मतलब ही वॉज ऑल्सो हर्ट बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर हिम ऑल्सो राइट उनके लिए भी आसान नहीं है यार मतलब दो एक इतना बड़ा शो है इट्स लाइक like, उन्होंने ये लाइन भी बोली थी कि यार मेरी तो मतलब आ, एक तर, मेरी गाड़ी का तेल तक आ, ये रिश्ता से मतलब इतना पुराना शो है या। फिफ्टीन ईयर्स से तो uh, uh, मतलब ही वो सो इंटें इतने इंटेंसिटी से वो बोल रहे थे और वो भी इतना दुखी थे ये सब जो भी हो रहा है तो uh, मुझे फिर वो जस्टिफाइड ही लगा उनका भी बट हाँ ऑब्वियसली कि uh, मैं वहाँ डेढ़ महीना था अभी मैं आऊँगा बट उससे पहले मैं वन एंड हाफ मंथ्स था तो मैंने एक्चुअली में एक सबसे पहला इंटरव्यू शायद मेरा ही आया होगा या दूसरा आया होगा मैंने उसमें अपना ओपिनियन रखने की कोशिश की लेकिन वो बहुत नेगेटिव तरीके से लिया गया जो कि मेरी बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी और uh, मैं यही कहूँगा कि यार बस अब uh, उन्होंने जिस तरीके से हमें सारे रीजंस एक्सप्लेन किए जो भी था उस तरीके से see, एक क्राइटेरिया होता है ना आप कहीं भी काम करते हो एक तरीका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको किस तरीके उनकी उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनका क्या है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हुई और फिर ये डिसीजन पे पहुंचे आ, आ, बट यार शॉकिंग तो था शॉकिंग तो था मतलब मैंने अपनी आ, आज तक लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि रिप्लेस हो गए दो दो लोग लीड्स तो शॉकिंग था बट जिस तरह से सर ने एक्सप्लेन किया तो कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा था कि यार आ, उनकी जगह पे भी कोई होता तो आई थिंक यही करता हाँ ऐसा मुझे लगा बट यही है कि यार जो हमारे मेरे जो प्रतीक्षा और शहजादा को बस इससे इससे आगे जाके जो भी है ये एक्सपीरियंस एक उन्हें मिला जो भी आगे प्रोजेक्ट करेंगे उसमें चीज, दो चार चीज़ों का ध्यान रखें एंड दिल ल, लाइफ ऐसी है यार चार दिन बाद सब भूल जाएंगे आज जो बात कर रहे हैं वो चार दिन बाद नहीं रहे आप, आपको एज एन एक्टर मैं भी मानता हूँ अपने काम से आपको ऑडियंस का दिल जीतना है काम से प्यार करना है आप अच्छा काम करोगे अगला अगले शो में आपकी कोई भी बुराई होगी सब भूल जाएंगे या कोई भी आपका कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो थोड़ी शॉकिंग होगी वो सब भूल जाएंगे तो मैं भी यही मानता हूँ और बस यार मतलब शॉकिंग तो था इसमें कोई डाउट नहीं है मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था और वो हो गया आपने एक चीज़ कही जिस तरह से अभी कि मैंने एक बात रखी थी अपनी एक ओपिनियन दिया था एक और सबसे पहला इंटरव्यू शायद या सेकंड आपकी तरफ से था जिसमें आपने अपना ओपिनियन दिया और लोगों ने उसको ना नेगेटिवली ले लिया क्या उसका बैक आपको मिल रहा है उसकी बात बहुत ज़्यादा यार बहुत ज़्यादा और ऐसी ऐसी चीज़ों पर मिल रहा है जिसका कोई कोई वजह नहीं है कोई कुछ नहीं है अभी मेरा क्या है कि मैं मेरा ऐसा मानना है कि यार मेरी ऑडियंस अगर मुझे देखती है तो मुझे ना बहुत मजा आता है उनसे इंटरेक्ट करने का या जैसा भी है उमेर से बात करते हैं मैं भी उनसे इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि यार ऐसा कोई सेलिब्रिटी ऐसा करता नहीं आप आप करते हो तो उसको लेके भी बैकलैश आने लग गया कि यार ये तो ये तो एक्टर ही नहीं है ये तो सबसे बात करता है अच्छा। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी क्या हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि अगर हम अपना ओपिनियन रखें तो भी बैकलैश है नहीं रखे तो भी बैकलैश है तो आ, बट ठीक है टाइम ऐसे है, एक आ, उस तरीके से बट मैंने अपने शो के लिए स्टैंड लिया क्योंकि मेरे को मैंने वो इन्वायरमेंट देखी है मैंने वहाँ काम किया मैं उन लोग मैंने उन लोगों के साथ काम किए मैंने उनके लिए स्टैंड लिया कि यार उनको ऐसे भला बुरा मत बोले है ना जब तक किसी को कोई स्टोरी की साइड के समझ नहीं है तो आप एक एक सीधा जस्ट बिकॉज प्रोडक्शन हाउस है आप उनके ऊपर मत चढ़ जाइए आप दोनों को पक्ष को सुनिए ज़रूर उनका भी जब कुछ उनकी स्टेटमेंट आएगी उन उस पर भी गौर कीजिए फिर अपना डिसीजन बनाइए कि क्या हुआ, क्या हुआ क्या सही है क्या गलत है बट एक साइडेड तरीके से आप उनको ना कीजिए तो कोई ना कोई तो डिफेंड करेगा यार मैंने वहाँ मैं उस सिचुएशन में था मैंने देखा मैंने दोनों के उसको देखा मुझे उस हिसाब से अपना ओपिनियन लगा और मैंने एक्चुअली में मैं, मैं सच में बहुत बुरा फील कर रहा था उनके लिए इसमें कोई वो दो राय नहीं है क्योंकि यार मैंने काम किया उनके साथ मैंने काम किया मैं उनके साथ सेट हो गया हूँ अब ऑब्वियसली मेरी जोड़ी जो है रूही और uh, मेरी एक ऑडियंस ने इतना पसंद कर लिया था अब मुझे नए कैरेक्टर नए नए एक्टर uh, के साथ जोड़ी बनानी पड़ेगी और उसमें टाइम लगेगा मेरे लिए ही मुश्किल है और ये सोचो ना ये उस बंदे के इंसान से उस बंदे की जुबान से बात आ रही है जो ढाई महीने से शो में भी नहीं है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को एंगस्ट होनी चाहिए प्रोडक्शन हाउस के लिए तो वो मेरे मेरे को होनी चाहिए क्योंकि मैं घर पे बैठा हूँ बट ऐसा नहीं है बहुत प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने काम किया मेरे साथ टोटली टच में रहे वो कि क्या है क्या है स्टोरी में इस तरीके से जा रहा है ये है तो मतलब एक नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है या मुझे भी क्या ज़रूरत है मैं मुझे मुझे भी शोज़ के ऑफर्स आ रहे हैं मैं भी आज दूसरा शो पकड़ लेता हूँ बट एक वो एक ट्रस्ट अपना है ना बना हुआ उनका भी है मेरा भी है तो वो बना हुआ है और वो इसीलिए है क्योंकि ईमानदारी है दोनों तरफ से तो मैं इसीलिए मैं फिर मैं अपनी प्रोडक्शन है उसका क्यों स्टैंड नहीं लूँ जी और बहुत सारे लोगों ने एक बात और भी कह रहे हैं जिस तरह से आपने अभी जो बोला कि आपने ओपिनियन रखा और उसके ऊपर नेगेटिव मैं उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई तुम तो शो के अंदर नहीं थे तो तुमको ये सारे अपडेट कैसे आ रहे थे कुछ कॉमेंट्स आपके ऐसे भी हैं मैंने सारे मैं आपके कॉमेंट्स पढ़े हैं मैं प्रॉपर आर एंड डी आया हूँ जी हम तो ऐसी भी लोग बातें कर रहे हैं मतलब बात रख लेना मतलब अगर अपनी बात कहना कि आज के वक्त में इतना मुश्किल होता है नहीं तो मैं, मैं समझ सच के लिए आवाज़ उठा बहुत, बहुत ज्यादा आप सबसे पहले मैं डेढ़ महीना तो था ना मैं डेढ़ महीना डे एंड नाइट मैंने डेली शूट किया है उसमें भी मैंने मैंने उस स्टेटमेंट में भी सिर्फ अपना वो बताया था जो जो मैंने छोटा मोटा ऑब्जर्व किया उसके बाद सब एक्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें राजन सर ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरीके से इस डिसीजन पर पहुंचे पाँच छः महीने से ये चीज़ें जो भी चल रही होगी वो मुझे मुझे नहीं पता मैंने सुनी है बट डेढ़ महीने का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने अपना ओपिनियन दिया था एंड रूही के लिए तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है मैंने तो यही कहा है कि मुझे लगता है कि शायद वो मिस हो गई थी बिकॉज़ उसके पीछे मेरा ये रीज़न था क्योंकि वो शी वॉज़ उसका डेब्यू था वो नहीं थी उसको कुछ नहीं पता था सेट के बारे में और इतना पोटेंशियल था उसमें मैं उसको हमेशा कहता था यार तेरी आंखें इतनी प्यारी है ना तू इसको थोड़ा सा इसको इससे खेलना सीख लेगी ना तू तू जा तू पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी ये मेरा ओपिनियन था एज एक एक्टर का दूसरे एक्टर के लिए तो वो ऐसा क्या हुआ कि यार वो रिप्लेस हो गई तो वो एक मुझे एज अ फ्रेंड बुरा लगा कि यार कहाँ गलत गई वो समझ रहे हो आप कि अगर आप मेरे दोस्त हो कल को आपके साथ ऐसा होगा तो मुझे वो वो बुरा लगा कि यार क्यों यार क्या यार इतना पोटेंशियल था क्या किया इतनी अच्छे तो उपर... आ, इतनी ऑपर अच्छी थी क्यों वेस्ट कर दी यार उसके लिए वो मेरा ओपिनियन था अभी उसको इतना नेगेटिवली ले लिया गया कि अरे यार मैं तो नफरत करता हूँ कोई कह रहा है मैं रूही से प्यार करता था मैं ए वन साइडेड लवर हूं और मैं ऐसे वो हूँ पर क्या यार मतलब मैं मैं सबको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत बट बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार शिवम अभी आ, मैं समझ गई मैं मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो बट इस टाइम में माहौल ऐसा है कि आप चुप करके बैठे रहो <laughs> तो वैसे ही है बस और मिसलीड की जो बात आपने कही थी मतलब किन बातों पे आपको लगता है कि हाँ भाई वो मिसलीड हो रही थी थोड़ा कदर सर बात ऐसे है कि आप मुझे एक चीज बताइए कि आप सबसे अच्छी दोस्त वो दोनों थे अच्छे उनकी दोस्ती थी सही अपना क्या मैं मैंने कभी पर्सनली पूछा नहीं बट उनकी दोस्ती अच्छी थी सेट में ये सबको पता है बट अभी आप मुझे एक बात बताइए एक रॉ न्यू इंसान जो आया इंडस्ट्री में और जिस तरीके से एक आ, आ, हमारा जैसे मैं था तो मेरे जो सीनियर आर्टिस्ट थे या मेरे जो एक्टर्स थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ गाइडेंस दी कि भाई ऐसे मत कर ये मत रहे वो मत रहे तो एक हमारा भी एक वो बनता है कि यार हम भी अगर कोई डेब्यू जिसका हो रहा है हम उसको फुल सपोर्ट दें और फुल मतलब जो दो चार चीज़ें हमने सीखी है वो एक तरह से उसको बता दे कि ये बिहे इस तरह से रहे या वैसे रहे या वैसे रहे तो कहीं ना कहीं मिसलेड से मेरा इसलिए मतलब क्योंकि मैं उसको जानता हूँ रूही को मैंने उससे बात की है वो बहुत स्वीट इंसान है बहुत स्वीट इंसान है तो अगर ऐसा क्या हुआ कि इतना स्वीट इंसान आज पांच महीने बाद वो रिप्लेस हो गया क्या वजह है ना तो उस सेंस में मैंने बोला कि मुझे लगता है कि शायद वो कहीं मिसलीड हुई है कि वो जो जिस तरीके से जिस उसको जो वो जिस सही तरीके से जा रही थी वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गई तो इसलिए सेट, पर... सेट की अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसा हुआ करता था जो आपको लगता था कि हाँ वो गलत है जो मेकर्स को लगा कि हाँ भाई वो नहीं होना चाहिए यार वो तो मैंने स्टेटमेंट दे ही दी थी अपना ओपिनियन तो मैंने बता ही दिया था जो मैंने एक दो एक डेढ़ महीने में एक दो चीज़ें देखी मैंने बता दिया like, एक दो चीज़ें अगर बताना चाहेंगे अरे अभी मैं बताऊंगा तो अभी फिर मुझे बहुत गालियाँ पड़ेगी बट मेरा ओपिनियन जो है वो पूरे मीडिया में चला गया है वो सबके सामने है मैंने एक दो चीज़ें बता भी दी है बट उसके बाद का जो सफ़र है मतलब वो सिर्फ वहाँ से शुरू नहीं होता उसके बाद भी एक जर्नी है जो राजन सर ने पूरा एक्सप्लेन किया इनफैक्ट प्रोडक्शन हाउस ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया उसमें उन्होंने बताया है तो uh, वही बोलूँगा कि चीज़ें ये सब चीज़ें अगर सही टाइम पे सही वक्त रहते शॉट शॉर्ट हो जाती तो सबके लिए अच्छा होता लेकिन शुभ आपको ऐसे नहीं लगता है कि अनप्रोफेशनल का टैग किसी एक्टर को दे देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है शायद आगे काम मिलने में दिक्कत हो या आपको कुछ मतलब आप किसी भी चीज़ में इनिशिएट कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है करियर में प्रॉब्लम आ सकती है शायद वहाँ पर ये रिप्लेसमेंट ना होके वहाँ पर बातें कर कर चीज़ें अगर बातें नहीं पड़ जाती तो सर इसका मुझे आइडिया नहीं है कि बातें पहले हुई है या नहीं हुई है हो सकता है हुई भी मैं वही कह रहा हूँ ना किसी प्रोड्यूसर के लिए इतना इजी तो होगा नहीं कि एक ही साथ में कर देना तो कुछ ना कुछ तो पहले उन्होंने क्या पता डिस्कशंस की हो बात की हुई कुछ सल्यूशन नहीं निकल रहा हो हो सकता है और दूसरी बात है ये जो टैग की बात करें ना सर इंडस्ट्री में Uh, बहुत से टैग्स लोगों को लगते हैं और बहुत सी चीज़ें होती है कल को शायद मेरे पे भी कोई टैग लग जाए किसी पे भी कोई टैग लग सकता है तो एक्टर्स की ये लाइफ है जो जब भी आप एक पब्लिक स्पेस में हो तो आपकी ये लाइफ है आप पे अच्छे टैग्स भी लगेंगे आप पे थोड़े बहुत अच्छे टैग्स नहीं भी लगेंगे बस आपको उन टैग्स को आप कैसे पार कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंसेस से अपने काम से आप आपको जो जो अगला मौका मिलता है आप उसमें जान लगा दो फाड़ दो एकदम और ऑडियंस भूल जाएगी ये मेरा मानना है मीटिंग के अंदर क्या रिएक्शन था उनका प्रतीक्षा का और शहजादा का जब मीटिंग चल रही थी सब लोग बैठे हुए सबसे पहले सबका रिएक्शन तो एकदम शॉकिंग था शॉकिंग दो वजह से था एक तो यार राजन सर को इतना हर्ट हुआ एक मीटिंग उस... कितने बजे हुई थी रात के वक्त नहीं तो नहीं रात को नहीं हुई थी दिन में हुई थी दिन में दिन में वो मीटिंग हुई थी एक तो सबसे बड़ा रिएक्शन था कि सर को देख के था कि वो ही वाज ही वाज आल्सो लिटरली अबाउट टू क्राई यू नो विद द हर्ट एंड इंटेंसिटी दैट ही हैड और सब का माहौल एकदम ऐसा था एक्टर्स शॉक में थे कि ये क्या हो गया और उन वो दोनों का uh, मतलब शहजादा को जब बोला कि ये जो भी है तो शहजादा उठा एंड ही लेफ्ट प्रतीक्षा थोड़ी सी वो थोड़ी रोने वाली हो गई थी ऐसा मुझे फील हुआ बट यही था उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई उनसे और कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी नहीं आया कि उनका क्या वो है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मीटिंग के हिसाब से जैसा था वैसा मैंने एक ओपिनियन दिया और उसके लिए मुझे बहुत नेगेटिव तरीके से समझा गया वैसा बिल्कुल नहीं है यार बिल्कुल नहीं है वैसे वो दोनों मैं पर्सनली अब मैं अपनी बात करूँ ना पर्सनली मेरे साथ दोनों अच्छे थे शहजादा के साथ मेरा बहुत अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप था मिलते थे हाय हेलो कभी मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ प्रतीक्षा के साथ तो दोस्ती थी मतलब है अभी भी प्रतीक्षा के साथ ऐसा था कि आप बात करते थे डिस्कशन करते थे उसकी फैमिली के बारे में वो बताती थी तो कभी कोई ऐसा एंगस्ट है नहीं ये जो लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बट मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ कि जो जो ये सीनारियो हुआ उसके लिए आप एकदम से यूनिट पे मत चढ़ जाओ समझो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस हिसाब से जो डिसीजन लिया गया है उनके लिए भी मुश्किल है उसके लिए मैंने अपना एक ओपिनियन रखा जी तो वो था इसके ऊपर क्या कहेंगे अब जिस तरह से मैंने कई सारे मैंने एक्टर से मैंने बात की मैंने अनिता जी से बात की ऋषभ से बात की इवन मैंने रोहित से भी मैंने बात की जो अभी नए आए तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि भाई उनको सेट पर बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब जो

राजन सर आए थे फिर उन्होंने बोला था कि यार आ, 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 नया नया शो अभी हम नया स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स बी कूल एवरीबडी या कुछ ऐसा मैंने सुना है मुझे मैं था ही नहीं वहाँ पे क्योंकि वो मसूरी का जो शूट दिखा रहे थे उस सीक्वेंस में मैं था ही नहीं मेरी एंट्री उसके बारह तेरह दिन बाद हुई है तो उसका मुझे पता ही नहीं है मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मुझे पता है जो मुझे गारंटी मेरी आंखों देखी हुई है चीज़ें बाकी अभी मैं कुछ बोल दूंगा ये होएगा वो तो सब सुनी सुनाई बातें हैं आई एम सुना टेल मैं तब बोलूंगा जब शायद मुझे उनका भी ओपिनियन सुनने को मिल जाएगा बाकी दोनों एक्टर्स का उनका अभी तक तो कुछ आया है कौन सही कह रहा है और कौन कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है तब आप डिसाइड कर सकते हो ना जब आपने एक ही साइड की बात सुनी है तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे अभी जो मेरा ओपिनियन है वो जो मेरी आंखों के सामने जो चीज़ हुई उसको लेके था बट लेकिन क्या लगता है कि एक अनफॉलो करने वाली यहाँ पे एक बात आती है कि उन दोनों ने आपको अनफॉलो कर दिया है शहजादा के साथ तो आई थिंक कभी फॉलो अनफॉलो वाला था ही नहीं कुछ ऐसा प्रतीक्षा के साथ था बट uh, शायद <Remote noise> हो सकता है कि वो भी ऑडियंस के जो नेगेटिव तरीके से रिएक्ट हुई वो देख के उसको भी शायद ऐसा लगा हो कि यार शिवम ने ऐसा बोल दिया बट मुझे एक्चुअली क्या होता है वो जो मैंने देखा वो जो टाइटल था ना न्यूज़ का वो थोड़ा सा मसाला मसालेदार था बट अगर आप वो पूरा उसको पढ़ेंगे ना पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो शायद उसने भी शायद वो पहली दो लाइन टाइटल पढ़ पड़ के कि यार शिवम ने ऐसा कैसा बोल दिया बट पता नहीं मुझे नहीं पता अभी मुझे भी फैंस ने बोला उसने आपको अनफॉलो कर दिया है ये है मुझे भी ऐसे मुझे भी लगा तो मैंने भी अनफॉलो कर दिया बट कुछ ऐसा नहीं है अभी मैं बात करूँगा उससे कि क्या हुआ तूने कुछ गलत तो नहीं समझाया बट आई एम जस्ट गिविंग देम ऑल्सो टाइम बिकॉज इतना बड़ा एक तरीके से इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो ना कि समझने को कि हुआ क्या हमारे लिए मुश्किल है तो उनके लिए भी कितना मुश्किल होगा आराम से जब चीज़ें ठंडी हो जाएगी ख़ुद डिस्कस करके विल सॉर्ट इट आउट जोड़ेगा उसके बाद में आपने कॉल करने का ट्राई नहीं किया जिस तरह से आपने बोला शहजा के साथ तो मेरा सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था कि भाई ये सीन हुआ हम लोग आए बातचीत वगैरह की प्रत्यक्षा के साथ में आपने ज़्यादा वक्त बताया है क्योंकि उनके साथ में आपके ज़्यादातर आपके सीन हुआ करते थे तो आपने उन्हें फ़ोन किया हो आपने उन्हें समझाया हो पहली बात तो मैं भी उसी का एक्टर हूँ उनके शो का मेरा समझाना एक तरह से बनता ही नहीं है और दूसरी बात है कि हम मेरा किसी भी एक्टर के साथ एक्सेप्ट अनीता मैम क्योंकि उनसे मेरी डेली बात होती है हम एक गुरुजी को फॉलो करते हैं तो हम डेली बात करते हैं बाकी किसी एक्टर के साथ भी मेरा ऐसे रेगुलर टच में मैं मतलब होती है बात इंस्टा पे कभी हाई हेलो हो गया बट ऐसा डेली वाइज नहीं है तो उनके साथ भी ऐसा डेली वाइज कभी नहीं था क्योंकि सब काम कर रहे हैं तेरह चौदह घंटे बाद आते हैं घर पे सबकी अपनी फैमिलीज़ हैं हमारी भी अपनी फैमिलीज़ हैं बिजी हो जाते हैं फिर मैं दो ढाई महीने से घूम ही रहा हूँ आप सब मेरा इंस्टाग्राम देख रहे होंगे कभी घूम रहा हूँ कभी काम कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ तो वो नहीं रहा मैं बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए मैं बात करूँगा ज़रूर क्योंकि प्रतीक्षा के साथ मेरी दोस्ती है तो मैं उससे बात करूँगा कि क्या है क्लैरिटी अब जरूर लेंगे क्लैरिटी जरूर लूँगा कि तू टेंशन मत ले अभी ये जो भी है आई एल ट्राई टू यू नो कि क्योंकि वो उसका डेब्यू था उसके लिए ज़्यादा uh, शायद स्ट्रेस हो रही होगी या कुछ तो मैं बोलूँगा कि मत रहे कूल cool डाउन हो अपने अपने ऊपर काम कर एंड गेट बैक विद द बैंग ओके जो नए अरमान और रूही जो हैं उनके ऊपर आपका क्या कहना है कैसे लगे आपको वो गाने अरमान और रूही जो नए वाले हैं उनसे मैं अभी मॉक शूट पे मिला था दो दिन पहले तीन चार दिन पहले रूही जो नई वाली है आ, अच्छी टैलेंटेड लड़की है मुझे ऐसा लगा गर्विता उसके साथ एक सीन हमने शूट किया आ, और अरमान भी बहुत डिसेंट बंदा लगा मुझे मैंने बात की उससे हाय हेलो आ, बट उसके साथ कोई सीन शूट नहीं हुआ तो अभी हम टी वी देखेंगे तो पता लगेगा कि क्या क्या कैसे किरदार निभा रहे हैं बट uh, रूही के साथ जो मैंने शूट किया एक सॉन्ग शूट किया हमने दिल दिया गल्ला बहुत अच्छा एक्सप्रेशन वाइज बहुत अच्छा लगा मुझे वो केमिस्ट्री अच्छी लगी एंड आई जस्ट होप कि यार जब भी हम आए हमारे सीन्स जो हो मेहनत करें अच्छे से दिल से और uh, कोशिश करें कि जो जगह प्रतीक्षा और शहजादा ने बनाई थी उस शो में अपने लिए तो कहीं ना कहीं हम भी एक रिक्रिए एक अच्छा सा वो इज्जत पा लें जो नई नई जोड़ी बन रही है रूही और रोहित की नई रूही के साथ तो वो एक इतना मेहनत करें इतनी जान लगाए कि हमें भी शायद वो इज़्ज़त मिल जाए बट लगता है कि अब आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है इन दोनों जब आप भी जब वापस आएंगे तो बताओ कलाकार आप भी जी, जी, क्योंकि एक तो मतलब जब इतने बड़े कॉल्स ले लिए जाते हैं जी, जी, जब जी, एक एक्टर के मतलब प्रोफेशनल होने को ना अनप्रोफेशनल होने की तो जो साथ में काम करते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है उनके ऊपर एक्चुअली क्योंकि तो कई बार क्या होता है हो कि हमें भी अभी थोड़ा अभी क्या हम भी वो रहेंगे कि कई थोड़ा कई बार क्या होता है बंदा अपने गुस्से में होता है या कुछ होता है या इरिटेटेड होता है तो कई बार कुछ ऐसा आ, आ, कुछ हो जाता है कि शायद यू नो इट्स नॉट गुड फॉर द यूनिट या वो शायद एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो हम भी ध्यान रखेंगे यार हाँ क्योंकि जब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है आज हम 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 भी तो वही है ना हम भी वैसे ही हैं हम भी एक्टर्स हैं वो भी एक्टर्स हैं और इससे ये पता चलता है कि शो से बड़ा कुछ नहीं होता कोई एक्टर नहीं कोई यूनिट नहीं अगर शो चल रहा है तो हम हम सब चल रहे हैं अगर शो नहीं चल रहा तो हम सब घर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा शो चले मेरा शो अच्छा चले मेरा शो अच्छा टी आए ताकि वो अच्छा काम करें और हम भी अपने टैलेंट को दिखाने का हमें भी तो वहीं से मौका मिल रहा है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए मैं कसम से कह रहा हूँ मैंने डेढ़ महीना काम किया लेकिन मुझे जो इज्जत मिली और जो प्यार मिला लोगों का वो मुझे आज तक नहीं मिला तो वो इसीलिए मिला क्योंकि मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे या तो या तो फिर मैंने एक्चुअली में मैंने दिल से काम किया और वो शायद लोगों से कनेक्ट हुआ तो यही है कि मुझे अब अभी एक प्रेशर आ गया कि यार टेन टाइम ज़्यादा दिल से काम करना है टेन टाइम ज्यादा एकदम प्रोफेशनल बिहेव करना है क्योंकि शो से बड़ा कुछ नहीं है चाहे आपको कितनी भी इज्जत मिल जाए कितना भी प्यार दे ऑडियंस लेकिन आप चेहरा हो आप एक शो का फेस हो ये सही बात है लेकिन शो से बड़ा कोई नहीं है समृद्धि से आपकी कोई बात हुई इस बारे में आ, इस बारे में नहीं हुई बट समृद्धि को समृद्धि भी शॉक्ट थी जब हमारी उसके बाद बात हुई बट uh, हमारी डिस्कशन इस बारे में नहीं हुई समृद्धि के बारे में बोलूँगा बहुत प्रोफेशनल है बहुत अपना दिल से काम करती है समृद्धि के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में क्योंकि हम दोनों की पर्सनालिटीज़ एक तरह से ना सिमिलर है मतलब वो भी सीन पे फोकस एकदम ध्यान देना और हम सीन को लेके भी बहुत डिस्कशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मतलब उसके साथ ना काम करने में तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये देवर भाभी के सीक्वेंस को भी किस तरीके से राइटर्स लिखेंगे और रूही के साथ तो मैं एक्साइटेड हुई जरूर बट हाँ वो थोड़ा प्रेशर है क्योंकि उस पुरानी रूही के साथ मेरी एक बॉन्ड बन गया था और एक अच्छा हमारी केमिस्ट्री ऑलरेडी एक्सेप्टेड थी जो कि अभी वापस शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी यू नो मेरे लिए भी ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए अभी मैं फिर से एक नए शो में जाऊँगा वैसी फील आ रही है वेल अगर आपकी अगर मैं बात कहूँ तो एक गुड न्यूज़ इस बीच के दौरान फैंस के पास में ये भी है कि आप दोबारा से जल्दी आने वाले हैं शो के अंदर क्या कहेंगे उसके ऊपर सर बस कृपा है सबकी कृपा है कि उन उन्होंने इतना प्यार दिया जो आ, मेरे कैरेक्टर को इतना सराहा और आ, मुझे वापस लाने का डिसीजन लिया गया है आ, और आई थिंक राइटर्स प्रोडक्शन चैनल भी मुझे इस दौर पे लाएंगे जब मेरे मेरा भी एक कहानी में एक अच्छा इम्पेक्ट होना चाहिए मेरा नहीं मतलब कैरेक्टर का रोहित का रोहित का एक इम्पैक्ट होना चाहिए और उससे कहानी और अच्छी एकदम चार चांद लग जाए कहानी में तो बस वो एक पॉइंट का जो है उसका इंतज़ार हो रहा है और जल्दी आएगा okay. बहुत जल्दी आएगा। और लगभग कितना ये जल्दी कितनी जल्दी होने वाला है अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर ये तो मैं नहीं बता सकता बट जितनी मेरी बात चल रही है काफ़ी जल्दी आएगा और आप यू वॉन्ट भी डिस मेक श्योर ऑफ़ दैट मैं बहुत मेहनत करूँगा और जिस तरीके से और मेरी टीम भी पैशनेट है हमारे क्रिएटिव्स पैशनेट है राइटर हैं कि यार रोहित को ऐसे हम एकदम यूटिलाइज करेंगे तो वो मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ अच्छे तरीके से ही लिखा जाएगा ओके okay. लास्टली जाते जाते क्या कहेंगे आप दर्शकों से जो भी आप बोलना चाहें जो ये रिश्ता के जो फैंस हैं जो कंफ्यूज है इस वक्त के मतलब कि क्या करना चाहिए कुछ लोगों का यह कहना है कि भाई अरमान जो है उसको वापस लेकर आओ कुछ लोगों का यह कहना है कि हम नई रूही और अरमान को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप जो भी कहना चाहें जाते जाते आपकी ऑडियंस जी आ, दर्शकों में यही कहना चाहूँगा कि यार आ, मुझे पता है कि मुश्किल है कोई भी वो एक्टर जिन्होंने अपना एक बेस बना लिया है एक फ़ैन फॉलोइंग बना लिया है अच्छा काम किया है आप लोगों के दिल में जगह बनाई है मुश्किल है वो अगर उस जगह पे नहीं है उनके लिए उन किसी दूसरे चेहरों को देखना बहुत मुश्किल है बट यार आपने सबसे पहले शो को प्यार किया है आप मैं मैं जितने भी मुझे आ, मैं लोगों से बात करता हूँ पंद्रह पंद्रह साल से लोग देखते आ रहे हैं मतलब वो छोटे बच्चे थे अभी वो काम कर रहे हैं बड़े हो गए कुछ कॉलेज में है वो तक शो को फॉलो करते आ रहे हैं तो सबसे बड़ा ये शो है ये कहानी है ये पैशन है तो हमसे आप प्यार करिए लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे शो से प्यार करिए जहाँ हम गलत जाते हैं स्टोरी वाइज आप हमें बताते ही हैं बट जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और मजबूरी में ही डिसीजन्स हुए हैं बट हम यही कहेंगे कि यार प्यार आप देते रहिए आप देखिए आप अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है नई जो जोड़ी आए नए कपल बनेंगे कैसा कर रहे हैं आप हमें बताइए हम और मेहनत करेंगे और आपके दिल में जगह बना के ही रहेंगे बट शो से प्यार कीजिए प्लीज़ प्रतीक्षा और शहजादा को अगर कोई आपको अगर, को अगर मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे आप प्रतीक्षा और शहजादा को यार यही मैसेज दूंगा कि भाई प्लीज़ जो भी ये इन, इंटरनेट पे हो रहा है ये सब एक नेगेटिविटी है इससे इस इससे दूर हट जाओ एकदम अपने आप को रिचार्ज करो अपनी अ, अपनी चीज़ों को एक तरह से एनालाइज करके जो भी चीज़ उठाओगे ना उसमें जान लगा दो एंड यूल रॉक यार वी वी आर फ्रेंड्स वी हैव बीन फ्रेंड्स मैंने आप दोनों को देखा है आप दोनों टैलेंटेड लोग हो बस छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है चार दिन में सब खत्म हो जाएगा जस्ट गेट बैक एंड प्रतीक्षा आई नो यूल रॉक आई नो एंड बस टेंशन मत लेना स्ट्रेस फ्री रहो यार बस थैंक यू सो मच शिवम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप जो ये रिश्ता के जो फैसले हैं उनको आज अच्छा बहुत सारी कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ी होंगी ये रिश्ता के बारे में थैंक यू भाई